गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम बात करने वाले हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या क्वांटिटेटिव ट्रेट इनहेरिटेंस के बारे में। तो ये जो पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव ट्रेट इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक ट्रेट्स या क्वांटिटेटिव ट्रेट्स किन्हें कहा जाएगा? पॉलीजेनिक ट्रेट्स आर दोज कैरेक्टर्स विच आर रेगुलेटेड बाय मोर देन वन जीन्स एंड ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलील्स हैज इक्वल वेटेज इन फीनोटाइप। ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलील हैज इक्वल वेटेज इन फीनोटाइप। तो वो ट्रेट्स जो एक से ज़्यादा जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, साथ साथ हर एक जो डोमिनेंट एलील है, ईच डोमिनेंट एलील हैज़ इक्वल कंट्रीब्यूशन इन फिनोटाइप, और इसीलिए इनको एडिटिव बोल रहे हैं। मतलब जितने ज़्यादा डोमिनेंट एलील होंगे जीनोटाइप के अंदर, उतना ही फिनोटाइप जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ एलील्स का इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर, टाइप ऑफ एलील्स का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक डोमिनेंट एलील है तो चाहे वो, एक सिंपल सा एग्जांपल है, अपन देख अभी अपन बात करेंगे इसके बारे में, कि मान लो दो जीन है ए और बी, ये दो जीन इफेक्ट डालती है फिनोटाइप के ऊपर। अब जिस टाइम पर दोनों ही जीन रिसेसिव फॉर्म में होंगी, होमोजाइगस, उस कंडीशन में कितने रिसेसिव एलील हैं? चार। डोमिनेंट एलील कितने हैं? जीरो। तो जो फिनोटाइप होगा वो फिनोटाइप एक बेस फिनोटाइप होगा, एक बेसिक फिनोटाइप होगा। अब जैसे ही एक डोमिनेंट एलील आ जाएगा जीनोटाइप में, तो वो फिनोटाइप जो भी है वो इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, चाहे कैपिटल ए आए चाहे कैपिटल बी आए। इसी तरह से जब दो डोमिनेंट एलील आएंगे तो फिर कुछ नया फिनोटाइप आएगा, फिर जब तीन डोमिनेंट एलील आएंगे तो एक नया फिनोटाइप आएगा, चार डोमिनेंट एलील आएंगे तो एक नया फिनोटाइप आएगा। तो हर एक एलील जो है वो इक्वल कंट्रीब्यूशन करेगा, डोमिनेंट एलील जो है वो इक्वल कंट्रीब्यूशन करेगा फिनोटाइप के अंदर। इसको अपन एग्जांपल से समझेंगे। पहले हम एक बार इसकी बेसिक थ्योरी जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि मोस्ट ऑफ जो ट्रेट्स हैं, चाहे वो इंटेलिजेंट क्वोशेंट हो, स्किन कलर है, हाइट है, प्रोडक्टिविटी इन प्लांट्स है, फ्रूट साइज इन प्लांट्स हैं, डिजीज रेजिस्टेंस है, हाइट, स्किन कलर, फ्रूट साइज, प्रोडक्टिविटी, डिजीज रेजिस्टेंस, दीज मोस्ट ऑफ दीज ट्रेट्स आर क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। इट मीन्स मोर देन वन डिफरेंट जीन्स कंट्रोल दीज ट्रेट्स एंड एडिटिव इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। एडिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में या क्वांटिटेटिव ट्रेट इनहेरिटेंस में मोस्टली। अगर मैं क्वांटिटेटिव नाम दे रहा हूँ ट्रेट का, तो क्वांटिटेटिव देने का मतलब ही यही हुआ कि यहाँ पर एडिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, एडिटिव इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा यहाँ पर। तीन तरह के फिनोटिपिक वेरिएशन देखने को मिलते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट्स के अंदर, और मेनली हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो एक तरह के फिनोटिपिक वेरिएंस पर आते हैं, जिसे कंटिन्यूस वेरिएशन कहा जाता है। तो एक बार पहले अपन समरी देख लेते हैं इसकी, कि एक तो मेरिस्टिक वेरिएशन, थ्रेशहोल्ड वेरिएशन और कंटिन्यूस वेरिएशन। अब ये हैं क्या, उनके बारे में बात करते हैं। तो क्वांटिटेटिव ट्रेट जब भी होंगे, तो सबसे पहली बात कि क्वांटिटेटिव ट्रेट्स जब भी होंगे तो जो ग्राफ आएगा वो हमेशा इसी तरह का ग्राफ आएगा, चाहे मेरिस्टिक वेरिएशन हो, चाहे थ्रेशहोल्ड वेरिएशन हो, चाहे कंटिन्यूस वेरिएशन हो। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आएगा उसके बारे में बात करते हैं। क्वांटिटेटिव ट्रेट या पॉलीजेनिक जो ट्रेट्स हैं उनका ग्राफ हमेशा इसी तरह का देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर मैंने लिखा है, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि कोई दो जीन है वो
कंट्रोल कर रही हैं किसी ट्रेड को, अभी अपन डिटेल में अलग से देखेंगे इसके बारे में। सबसे पहले अपन बेसिक जो है मेरिस्टिक और थ्रेशहोल्ड के बारे में लिख लेते हैं, फिर अपन कंटिन्यूस को समझते हुए पूरा डिटेल में बात करेंगे। मेरिस्टिक वेरिएशन, हेडिंग डाल देना मेरिस्टिक वेरिएशन। तो मेरिस्टिक वेरिएशन कहाँ पर देखने को मिलेंगे? मेरिस्टिक वेरिएशन ऑब्जर्व्ड वेयर फेनोटाइप्स एक्सप्रेस्ड ऑलवेज इन होल नंबर, कंप्लीट नंबर जो है होल नंबर के अंदर फिनोटाइप को एक्सप्रेस किया जाता है। तो मेरिस्टिक वेरिएशन ऑब्जर्व्ड वेयर फिनोटाइप्स हैव ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन होल नंबर्स, तो वहां पर मेरिस्टिक वेरिएंस जो है वो देखने को मिलेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल इसका, तो मेरिस्टिक वेरिएशन देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल लिख लेना इसमें, फॉर एग्जांपल लेटर साइज। ये लेटर साइज का मतलब क्या हुआ? क्लच, CLUTCH, क्लच साइज भी कह सकता हूं मैं। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो एक साथ बहुत सारे प्रोजेनी जो हैं वो पैदा करते हैं, या फिर प्लांट्स के बारे में बात करूं तो वो एक साथ बहुत सारे सीड बनाते हैं। तो जो नंबर ऑफ प्रोजेनी है कि एक बार में 4 से 6 बच्चे पैदा होते हैं, फॉर एग्जांपल डॉग्स के बारे में बात कर लें कि भाई एक बार में जो है 4 से 6 बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो अब कुछ हैं जिनमें 2 से 3 होते हैं, कुछ हैं जिनमें 3 से 4 होते हैं, कुछ हैं जिनमें 4 से 6 होते हैं। तो ये जो क्लच साइज कहते हैं इसको, या लिटर साइज कहते हैं, ये जो साइज है पूरा कि एक बार में इतने प्रोजेनी आ रहे हैं। प्लांट्स हैं, प्लांट्स के लिए क्लच साइज जो है वो क्या होगा? नंबर ऑफ सीड्स, कि भाई एक सीजन के अंदर जो प्लांट है एक बार में कितने सीड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर जो वेरिएशन होगा या जो भी हम एक्सप्रेशन शो करेंगे वो होल नंबर में होगा, मतलब 10 सीड, 12 सीड्स या 16 सीड्स, 18 सीड्स, 100 सीड्स, 1000 सीड्स, मैं ऐसे नहीं कहूँगा, या फिर कि 4 प्रोजेनी, 6 प्रोजेनी, 10 प्रोजेनी, मैं ऐसे कभी नहीं कहूँगा 4.5 प्रोजेनी, कि भाई 3.5 बच्चे पैदा हुए, 4.5 बच्चे पैदा हुए, 4.25 बच्चे पैदा हुए, 10.5 सीड दिए। तो ये पॉइंट्स में यहाँ पर वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पर होल नंबर में ही वैल्यू होगी, और कैलकुलेशन जो भी होगी वो होल नंबर्स में किया जाएगा, जो भी रॉ डाटा होगा वो होल नंबर्स में होगा हमेशा। तो वो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स जो होल नंबर्स में जिनका रॉ डाटा प्रोड्यूस होता है वो कहला, वो मेरिस्टिक वेरिएशन शो करते हैं। फिर दूसरे सेकंड हेडिंग डालना थ्रेशहोल्ड वेरिएशन। थ्रेशहोल्ड वेरिएशन का सबसे खास बात यह है कि थ्रेशहोल्ड वेरिएशन में सिर्फ 2 ही फिनोटाइप देखने को मिलते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। थ्रेशहोल्ड वेरिएशन शोज ओनली 2 फिनोटाइप, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आइदर प्रेजेंट और अब्सेंट। फॉर एग्जांपल डिजीज रेजिस्टेंस एंड ससेप्टेबिलिटी, कि या तो प्लांट जो है वो डिजीज रेजिस्टेंस होगा या प्लांट डिजीज के लिए ससेप्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ग्राफ मैंने शो किया है डिजीज रेजिस्टेंस और ससेप्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर हम सिंपल करने के लिए एग्जाम्पल को, हम मानते हैं कि इस डिजीज रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए 2 जीन रेस्पॉन्सिबल हैं, और उन जीन का नाम है ए एंड बी जीन। तो जिस टाइम पर सभी के सभी एलील डोमिनेंट हैं, यानी कि 4 डोमिनेंट एलील हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मान लो अगर एक भी नहीं है, तो उस कंडीशन में, अच्छा यहाँ पर सॉरी, नंबर ऑफ रिसेसिव एलील्स यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 0, 1, 2, 3 कर दिया ना। तो सबसे पहले मान लो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, सारे के सारे डोमिनेंट एलील हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी,
तो इसका मतलब रिसेसिव एलील एक भी नहीं है, मैंने नीचे यहाँ पर लिखा रिसेसिव एलील, नंबर ऑफ रिसेसिव एलील। तो नंबर ऑफ रिसेसिव एलील क्या है जीनोटाइप में? जीरो। तो ये डिजीज रेजिस्टेंस है। फिर दूसरा जो फिनोटाइप है उसके अंदर यहाँ पर जो है नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील वन है, नंबर ऑफ रिसेसिव एलील वन है। तो एक रिसेसिव एलील होने का मतलब क्या हुआ? तीन डोमिनेंट एलील का होना। तो तीन अगर डोमिनेंट एलील हैं तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर ये दो जीनोटाइप बन सकते हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, या फिर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। तो ये तीन डोमिनेंट एलील वाले जीनोटाइप। फिर उसके बाद दो डोमिनेंट एलील वाले जीनोटाइप, फिर उसके बाद वन डोमिनेंट एलील वाले जीनोटाइप, और उसके बाद लास्ट में जीरो डोमिनेंट एलील वाले जीनोटाइप, यानी कि यहाँ पर सारे के सारे जो है रिसेसिव हैं। तो यहाँ पर दो तरह के फिनोटाइप देखने को मिलते हैं कि जब तक कम से कम दो डोमिनेंट एलील थे तब तक तो यहाँ पर डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस जो है वो शो हो रहा था। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो शो कर रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस शो हो रहा है जब तक कम से कम दो डोमिनेंट एलील थे। वाई एक्सिस पर यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोजिनी लिखा हुआ है। फिर अगर दो से कम डोमिनेंट एलील है प्रोजिनी के अंदर तो फिर वो ससेप्टेबिलिटी शो करेगा। तो सिर्फ दो ही फिनोटाइप शो हो रहे हैं कि ये सारे जो हैं ये रेजिस्टेंट और ये सारे सेंसिटिव। तो ट्रेट पॉलीजेनिक है, क्वांटिटेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन फिनोटाइप सिर्फ दो ही देखने को मिल रहे हैं, और वो दो फिनोटाइप क्या है? रेजिस्टेंस और ससेप्टेबल, यानी कि या तो डिजीज के लिए रेजिस्टेंस है या फिर सेंसिटिव है, वो ससेप्टेबल है। तो ऐसे ट्रेट जो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस शो करते हैं लेकिन फिनोटाइप उनमें सिर्फ दो ही देखने को मिलते हैं, तो उनमें जो वेरिएशन होता है वो बेसिकली कहलाता है थ्रेशहोल्ड वेरिएशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर थ्रेशहोल्ड क्या है? कम से कम दो डोमिनेंट एलील का होना, यहाँ पर क्या है? थ्रेशहोल्ड है, कम से कम दो डोमिनेंट एलील का होना, मिनिमम टू डोमिनेंट एलील जो है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड है रेजिस्टेंस के लिए। अगर दो डोमिनेंट एलील नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा? डिजीज के लिए सेंसिटिव हो जाएगा इंडिविजुअल जो है वो। तो इस तरह के ट्रेट जो हैं वो बेसिकली थ्रेशहोल्ड वेरिएशन शो करते हैं। तीसरा है कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन। कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन जो है इस पर हमारे सवाल आते हैं बहुत सारे, इसके बारे में अपन बात करते हैं कि कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन जो है वो किस तरह से शो होगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन पर हमारे सवाल बनते हैं। तो कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन वाला जो है उसमें एग्जाम्पल के तौर पर अपन लिख सकते हैं स्किन कलर इन ह्यूमन, इंटेलिजेंट कोशेंट या आईक्यू लेवल, ये भी एक क्वांटिटेटिव ट्रेट है, पॉलीजेनिक ट्रेट है, कर्नल कलर इन वीट, फ्रूट साइज इन प्लांट्स, प्रोडक्टिविटी इन प्लांट्स। तो ये जो सभी ट्रेट्स हैं और भी बहुत सारे हैं, तो ये ट्रेट्स कंटिन्यूस वेरिएशन शो करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल कंटिन्यूस वेरिएशन का मतलब हाइट में मैं लेता हूँ। हाइट जो है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन हाइट के बारे में बात करते हैं, एग्जांपल के तौर पे लिया मैंने पहला ह्यूमन हाइट। अब ह्यूमन हाइट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो हाइट क्या हो सकती है? वन फिट, एक फिट हो सकती है, 1.1 फीट हो सकती है, 1.2 फीट हो सकती है, 1.3 फीट हो सकती है, 1.4 फीट हो सकती है। मतलब कंटिन्यूस वेरिएशन देखने को मिलेगा, मतलब ईच मिडल या ईच मिड वैल्यू इज पॉसिबल कंप्लीटली, ना तो होल नंबर में है ना ही सिर्फ दो फिनोटाइप है, डिफरेंट फिनोटाइप पॉसिबल हैं एंड ईच मिडल वैल्यू इज ऑल्सो पॉसिबल। पॉइंट्स में भी वैल्यू आ सकती है, पॉइंट में, डेसिबल में, एक पॉइंट में, दो पॉइंट में, कितने पॉइंट में वैल्यू जो है वो आ सकती है। किसी की हाइट मान लो 5 फीट है, किसी की हाइट 5
0.02 फिट है, किसी की 5.03 फिट है, किसी की 5.1 फिट है, किसी की 5.15 फिट है, किसी की 5.16 फिट है। पॉपुलेशन में हर एक वेरिएशन देखने को मिलेगा ट्रेड्स के अंदर। स्किन कलर के अंदर बात करें, हम 10 लोग अगर बैठे हैं तो उन 10 लोगों में 10 स्किन कलर देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली सेम स्किन कलर नहीं होगा, वहां पर भी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो स्किन कलर में भी जो है कंटिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलता है। कर्नल कलर इन व्हीट, गेहूं में जो दानों का रंग है उसमें भी ये वेरिएशन देखने को मिलता है। तो फॉर ये वाले जो ट्रेड्स हैं ये कहलाते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन वाले ट्रेड्स कहलाते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएशन शो करते हैं मोस्ट ये वाले ट्रेड्स। तो हमारे जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली वो कंटिन्यूअस वेरिएशन वाले ट्रेड्स पर आते हैं अधिकतर, ये ध्यान रखना। जब भी आए हैं नेट के एग्जाम में मोस्टली कंटिन्यूअस वेरिएशन वाले ट्रेड पर क्वेश्चन आते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो है मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं, कर्नल कलर इन वीट। तो कर्नल कलर इन वीट जो है उसका मैंने एग्जाम्पल लिया है। मैंने यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर माना है कि ये दो जीन के द्वारा जो है वो कंट्रोल हो रहा है, और वो जो दो जीन है वो है ए एंड बी। तो यहाँ पर पेरेंट लिया मैंने कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। यहाँ पर 4 डोमिनेंट एलील है तो यहाँ पर पर्पल कलर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है तो यहाँ पर वाइट कलर देखने को मिल रहा है। फिर जब इनका क्रॉस करवाया तो F1 प्रोजेनी हेटरोजाइगस है जिसमें रेड कलर देखने को मिल रहा है। फिर जब इनकी सेल्फिंग कराई तो 5 फिनोटाइप देखने को मिला, सबसे डार्क कलर पर्पल, उससे थोड़ा लाइट कलर डार्क रेड, फिर उससे थोड़ा लाइट कलर रेड, फिर उससे थोड़ा लाइट कलर लाइट रेड, फिर सबसे लाइट कलर वाइट। यानी कि यहाँ पर जब 4 डोमिनेंट एलील थे तो बहुत डार्क कलर था, फिर जब 3 डोमिनेंट एलील हुए तो यहाँ पर 3 डोमिनेंट एलील है तो ये 2 तरह के जीनोटाइप हो सकते हैं, कैपिटल है कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, 1 2 3 डोमिनेंट है, या फिर ये वाला हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, ये 2 तरह के जीनोटाइप हो सकते हैं। अच्छा, ये 2 तरह के जीनोटाइप है, नंबर ऑफ प्रोजेनी कितने होंगे, क्योंकि 2 जीन है मतलब आउट ऑफ 16 हम निकालेंगे। तो वही हमारा तरीका, वही मेंडल वाला वही काम आएगा, कैपिटल ए कैपिटल ए होमोजाइगस है डोमिनेंट है तो क्या होगा 1/4, कैपिटल बी स्मॉल बी हेटरोजाइगस है तो क्या होगा 2/4, तो 1/4 इंटू 2/4 इक्वल्स टू 2/16। तो ये वाला जो जीनोटाइप है ये कितने मिलेगा आउट ऑफ 16, 2 मिलेगा। इसी तरह से नीचे वाला जीनोटाइप है इसमें भी वही करूंगा मैं, 2/4 इंटू 1/4 इक्वल्स टू 2/16। तो ये जीनोटाइप भी 2 मिल रहे हैं आउट ऑफ 16, ये जीनोटाइप भी 2 मिल रहे हैं आउट ऑफ 16, तो टोटल कितने हो गए 2+2 यानी कि 4। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है 4। फिर 4 डोमिनेंट 3 डोमिनेंट 2 डोमिनेंट, तो 2 डोमिनेंट में कौन कौन से जीनोटाइप हो सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी एक जीनोटाइप ये हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल बी एक जीनोटाइप ये हो सकता है, स्मॉल ए कैपिटल बी एक जीनोटाइप ये हो सकता है। कितने होंगे नंबर, वही फॉर्मूला लगा के निकालेंगे मेंडल वाले, ये वाला कितना होगा 2/4 इंटू 2/4 यानी कि 4/16, तो ये वाला जीनोटाइप कितने इंडिविजुअल में देखने को मिलेगा 4 इंडिविजुअल में देखने को मिलेगा। फिर 1/4 इंटू 1/4 यानी कि एक इंडिविजुअल में, फिर 1/4 इंटू 1/4 यानी कि एक इंडिविजुअल में, तो टोटल कितने हो गए 4+1+1 यानी कि 6, तो 6 इंडिविजुअल में ये 2 डोमिनेंट वाले जीनोटाइप देखने को मिलेंगे। फिर एक डोमिनेंट वाला कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी ये 2 जीनोटाइप हो सकते हैं, तो इनकी भी वही निकालेंगे रेशियो तो कितना आएगा 4। फिर होमोजाइगस रिसेसिव एक में देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर मैंने यहाँ पर क्या एक हमें तरीका क्या है याद करने का कि अगर 2 जीन काम आ रहे हैं और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, ये ध्यान रखना जब तक कुछ नहीं दिया हुआ तब तक हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मान के काम करेंगे, तो 2 जीन अगर इन्वॉल्व हैं तो मतलब 4 एलील हो गए, और 4 एलील है तो फिनोटाइप कितने हो जाएंगे 5। देख लो यहाँ पर 1 2 3 4 5, सिंपल सा है कि जितना एलील है उससे एक ज्यादा फिनोटाइप, 2 जीन तो 4 एलील,
तो फेनोटाइप 5, 3 जीन तो 6 एलील तो फेनोटाइप 7, 4 जीन अगर इन्वॉल्व हैं तो 8 एलील हो जाएंगे और फेनोटाइप कितने हो जाएंगे 9। तो इस तरह से फेनोटाइप निकाल सकते हैं। अब इनका जो रेशियो है, अगर दो जीन इन्वॉल्व है तो रेशियो क्या आएगा, 1:4:6:1, यानी 1:4:6:4:1। तो यहाँ पर अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो 1 अगर है तो सबसे कम, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 1 है, इसलिए इनका ग्राफ कैसा आएगा इस तरह से, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस तरह का ग्राफ आ रहा है यहाँ पर, कि पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो 1:4:6:4:1। इसी तरह से अब एक ट्रिक अपन बात कर रहे हैं, या तो वो मैथमेटिकल जो फॉर्मूले होते हैं कुछ उनके द्वारा निकालना पड़ता है यहाँ पर वैल्यू, या फिर एक पास्कल्स ट्रायंगल है उसके द्वारा अपन रेशो निकाल सकते हैं डायरेक्ट, अगर याद नहीं हो रहा है तो। कम से कम 3 जीन तक के रेशो जो हैं वो तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। नहीं कर पा रहे हो तो एक तरीका है मेरे पास, पास्कल ट्रायंगल जो है वो इस तरह से बनाते हैं, उसमें पहले लिखा 1, फिर उसके नीचे लिख दिया मान लो 1, 2, 1। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो फर्स्ट और लास्ट जो नंबर है उनको साइड में लिख दिया, फिर आगे से आगे काउंटिंग कर रहे हैं। पहले लिखा 1, फिर 1+2 कितना हुआ 3, तो यहाँ पर लिख दिया 3, फिर 2+1 कितना हुआ 3, तो यहाँ पर लिख दिया 3, फिर उसके आगे 1। अब इससे नीचे भी वापस वही करना है कि 1 और 1 साइड में लिख दिया, तो 1 और 1 साइड में लिख दिया। फिर 1+3 कितने हुए 4, तो यहाँ पर लिख दिया 4। 3+3 कितने हुए 6, तो यहाँ पर लिख दिया 6। 3+1 कितने हुए 4, तो यहाँ पर लिख दिया 4। तो 1:4:6:4:1। फिर उससे आगे 1 और 1 साइड में लिख दिया, फिर 1+4 कितना हुआ 5, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5। फिर उससे आगे वही 1 और 1 लिख दिया, फिर 5+1 6, 10+5 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6। तो अगर 5 फिनोटाइप आ रहे हैं तो इसमें देख लो कि 5 नंबर किस में आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा जो 5 फिनोटाइप अगर आएंगे तो रेशो क्या होगा, ये वाला रेशो आएगा उसके अंदर, अगर 5 फिनोटाइप आ रहे हैं तो रेशो क्या होगा ये। फिर 3 जीन इन्वॉल्व है तो कितने फिनोटाइप आ रहे हैं 7, तो 7 फिनोटाइप आ रहे हैं तो रेशो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 फिनोटाइप आ रहे हैं इसमें, तो 3 जीन इन्वॉल्व होंगे तो उस कंडीशन में रेशो क्या होगा पॉलीजेनिक ट्रेट इनहेरिटेंस का, 1:6:15:20:15:6:1। इसी तरह से और आगे निकालोगे तो 8 फिनोटाइप वाला आ जाएगा, और आगे निकालोगे तो 9 फिनोटाइप वाला आ जाएगा। तो 9 फिनोटाइप अगर होंगे तो रेशो इसका, 4 जीन इन्वॉल्व होंगे तो कितने होंगे फिनोटाइप 9, तो 4 जीन इन्वॉल्व होंगे तो फिनोटाइप का रेशो क्या आएगा वो तुम इससे आगे सॉल्व करके खुद निकाल सकते हो, बस अधिकतम 4 जीन तक का निकाल के देख लो कि अगर 4 जीन इन्वॉल्व हैं तो फिनोटाइप क्या आ सकते हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं अपन, एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें कि एक प्लांट है उसकी मिनिमम हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है और मैक्सिमम हाइट जो है वो 18 सेंटीमीटर है, और F1 प्रोजीनी जब इन दोनों का क्रॉस करवाया गया तो F1 प्रोजीनी जो है उसकी हाइट देखने को मिली 14 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में तुम्हें ये बताना है कि कितनी जीन इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, और जो डोमिनेंट एलील है एक डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन क्या है हाइट के अंदर, एक डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन क्या है हाइट के अंदर। तो सिंपल सा लॉजिक लगाना है यहाँ पर कि मिनिमम हाइट दी हुई है 10, मैक्सिमम हाइट दी हुई है 18, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सारे के सारे डोमिनेंट एलील अगर आ जाते हैं तो हाइट कितनी बढ़ी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल जो डोमिनेंट एलील हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 8 सेंटीमीटर। अब अगर डोमिनेंट हाफ डोमिनेंट और हाफ रिसेसिव हो तो उस कंडीशन में हाइट कितनी बढ़ी 4 सेंटीमीटर, तो यानी कि 50% डोमिनेंट एलील जो है उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना है 4 सेंटीमीटर।
तो सिंपल सा लॉजिक लगाया यहाँ पर कि मैक्सिमम को हाफ से डिवाइड कर दिया, तो मोस्टली यहाँ पर क्या होगा कि जो एक एलील का कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको अप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर दो 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 अगर बढ़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 18। इसका मतलब जो F2 प्रोजिनी है उसके अंदर फिनोटाइप क्या क्या होंगे, 18 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ये पांच फिनोटाइप देखने को मिलेंगे। यहाँ पर चार डोमिनेंट एलील, थ्री डोमिनेंट एलील, टू डोमिनेंट एलील, वन डोमिनेंट एलील, जीरो डोमिनेंट एलील। तो इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन जो है वो करनी है हमें कि किस तरह से यहाँ पर निकल कर आ रहा है सामने। एक दो क्वेश्चन जो है वो अपन और भी करेंगे यहाँ पर।